अस्सलाम वालेकुम, जाहिद भट्टी फ्रॉम लाहौर एस्टेट। मेरा मोबाइल नंबर है 03224222061। आप व्हाट्सएप मुझे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं DHA Phase 7 की रेजिडेंशियल और कमर्शियल फाइल की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और ऑन ग्राउंड के जो प्लॉट मौजूद हैं उनके लेटेस्ट अभी क्या अपडेट्स हैं, तो डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा DHA Phase 7 की 5 मल्ला रेजिडेंशियल फाइल की, जिसका अभी मौजूदा रेट जो है वो एलोकेशन फाइल का 29.25 लाख का है, और जो एफिडेविट वाली फाइल है उसका रेट इस टाइम तकरीबन को 32.5-33 का रेट चल रहा है। तो ये इस टाइम लोएस्ट रेट पे है, और काफ़ी 3-4 वीक से ऑलमोस्ट यहाँ पे आके रेट रुका हुआ है, और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लाइक 6 माह से 1 साल के लिए, उनके लिए ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे मैक्सिमम 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पे बैलेट DHA करने जा रहा है इसका FA7 की 5 मल्ला जो रह गई है फाइल रेजिडेंशियल वाली, तो इनका बैलेट करने जा रहा है। तो बैलेट के बाद जाहिर सी बात है रेट जो है इसका थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा, और इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा इसका मतलब रेट भी बहुत कम आया हुआ है, ये रेट जो है वो 75 से दोबारा रिवर्स यहाँ पे आया हुआ है, तो अभी मेरे ख्याल से वर्थ करती है कि आप इसको शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उठाएं और इस आने वाले दिनों में यहाँ पे गेन हासिल करें। दूसरे नंबर पे अगर जो जिन फाइलों का बैलेट हुआ था और ऑन ग्राउंड अभी मौजूद है, उनकी डेवलपमेंट चल रही है, तो वो भी अच्छी ऑप्शन है जिनका प्लान कल को कंस्ट्रक्शन करने का या थोड़ा लंबे टाइम के लिए 2-3 साल के लिए लेके चलने का प्लॉट को। प्लॉट का बेसिकली फाइल में और प्लॉट में फ़र्क क्या है, प्लॉट का फ़ायदा आपको ये कि आप एक लोकेशन पसंद करके ले लेते हैं बस, फिर वही रहनी है, उसमें जो है वो चेंजिंग नहीं आएगी। फाइल का ये कि फाइल लेके छोड़ देते हैं वो ओपन होती है, उसका भी उसको उसकी लोकेशन फाइनलाइज नहीं हुई होती, तो उसमें जो है आपने लेके वेट करना होता है बैलेट का, उसके बाद प्लॉट नंबर लगता है, फिर आपको पता चलता है कि हमें ये लोकेशन मिली। प्लॉट की सूरत में आपने जो भी प्लॉट ऑनलाइन खरीदना है तो उसको उसमें आपको पता है, थोड़ा महंगा तो ज़रूर खरीद रहे हैं लेकिन उसमें आपको ये पता होगा कि हमने ये लोकेशन पसंद करके प्लॉट लिया है, कॉर्नर लिया है या जो भी लिया है, सेंट्रल लोकेशन का लिया, अब वही रहना है। तो ये फ़र्क है प्लॉट और प्राइस में। 7 मरला की अगर बात करूँ तो 7 मरला फाइल का रेट इस टाइम जो है 43-44 का चल रहा है, और ऑन ग्राउंड जो प्लॉट मौजूद हैं 7 मरला के उनका रेट इस टाइम तकरीबन 65 लाख से लेकर 75 लाख तक जा रहा है लोकेशन वाइज। और ये दोनों जो 5 मरला 7 मरला की प्लॉटों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉस्ट ऑफ लैंड पे एंड डेवलपमेंट चार्जेज इनके ऊपर अलहदा से देने पड़ेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा 10 मरला और 1 कनाल की, तो 10 मरला और 1 कनाल दोनों कैटेगरी में इस टाइम फाइल्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। वजह ये कि 95% DHA ने इनका बैलेट कर दिया हुआ है और ऑन ग्राउंड अभी प्लॉट मौजूद हैं, तो बेहतर तो यही है अभी 10 मरला में मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप फाइल लेने या फाइल 10 मरला या 1 कनाल की लेने की बजाय आप ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदें। 10 मरला अगर ऑन ग्राउंड प्लॉटों की बात की जाए जो विद पोजेशन के साथ हैं, उनका रेट इस जो है वो 140 से लेके 2.5 करोड़ तक जा रहा है लोकेशन वाइज। और अगर मैं यहाँ पे आबादी की ओवरऑल बात करूँ तो इस टाइम तकरीबन को 25-30% आबादी ओवरऑल 7 में हो चुकी है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि एंड पोर्शन में भी आप जाके मिनिमम रेट में भी प्लॉट खरीद के वहाँ पे घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वजह ये कि एंड पोर्शन तक भी काफ़ी ज़्यादा इतनी आबादी हो चुकी है कि आप फौरी घर बना के रहाइश वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा 1 कनाल की, तो 1 कनाल की इस टाइम मिनिमम जो रेट DHA Phase 7 में शुरू हो रहे हैं वो 75 लाख से लेके तकरीबन 5-5.5 तक जा रहे हैं लोकेशन वाइज। सबसे हाई प्राइस जो है वो आर ब्लॉक में है, वजह ये कि उसकी दोनों साइडों पे Phase 6 का एम और एन ब्लॉक लगते हैं, उस वजह से उसकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं। अदरवाइज आप एवरेज अच्छे लोकेशन प्लॉट की बात करूँ तो वो आपको तकरीबन को 3.5 के ± मिल जाता है। इसमें भी अगर आबादी की बात करूँ तो आबादी यहाँ पे भी 1 कनाल में भी इस टाइम तकरीबन को 25-30% हो चुकी है, और इसमें भी आप मिनिमम से लेके मैक्सिमम जिस रेंज में भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आबादी ओवरऑल इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप एंड पोर्शन में भी जाके घर बना के अगर रहना चाहें तो इस टाइम 7 बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आपको ये फील नहीं होगा कि हम किसी बहुत दूर लोकेशन में रह रहे हैं या सराउंडिंग में आबादी नहीं है या हम अकेले हैं, तो इस तरह की कोई फील नहीं है भाई की। 7 जो है अब बेस्ट ऑप्शन है, 6 के बाद 6 में तो बहुत पीक पे जा चुकी हैं प्राइसेस, तो 9 PSM में भी आपने जाके 2-2.5 करोड़ का प्लॉट खरीदना है तो वहाँ पे भी अभी
घर बनने शुरू नहीं हुए, कुछ जगह पे हुए लेकिन टाइम लगेगा। तो जिनका फौरी प्लान है घर बनाने का, उनके लिए 7 बेस्ट ऑप्शन है। जिनका थोड़े लंबे टाइम के लिए प्लान है, कोई 3-4 साल बाद, तो वो फिर जो है वो 9 में भी जा सकते हैं। तो अभी फिर फौरी तौर पर जिनका प्लान है उनके लिए 7 बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट में बात करूँगा कमर्शल की, तो कमर्शल में जो है अभी फाइल का रेट जो है वो काफ़ी ड्रॉप आया हुआ है। एलोकेशन की अगर बात करूँ तो उसका रेट जो है 1,10,00,000 का है, और एफिडेविट की बात करूँ तो उसका रेट 1,22,00,000 का चल रहा है। तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि यहाँ पे आप बाय करें फाइल को। वजह ये कि 3 करोड़ से रेट रिवर्स आया हुआ है, तो ये सोचने की बात है जिन लोगों ने 3 करोड़ की बाइंग की हुई है, वही फाइल आज आपको अगर 1,10,00,000 में या 20 में मिल जाती है तो ये बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल से देर नहीं करनी चाहिए इसमें, और इसका बैलेट भी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैक्सिमम आप माइंड में रखें कि आने वाले 1 साल से पहले पहले इसका बैलेट हो जाएगा। आपको फॉर एग्जांपल बुरी लोकेशन भी मिलती है या एंड पोर्शन की लोकेशन भी मिलती है, तब भी बुरे से बुरा प्लॉट भी कमर्शल का आपको 2.5 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। आप ओवरऑल सारे DHA के फेजेस के एनालिसिस कर सकते हैं, कहीं पे भी रेट इतना कम नहीं है। तो 2.25-2.5 करोड़ से कम कल को प्लॉट यहाँ पे 7 में नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये अच्छी ऑप्शन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से इसको अवेल करना चाहिए। ओवरऑल वैसे भी 7 की बल्कि हर जगह पर प्राइसेस डाउन आई हुई हैं, लेकिन ये वाली रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है। बड़ी वजह इसकी ये है कि ये शॉर्ट टर्म है, तो मेरे ख्याल से इसको जो है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि ये इस टाइम जिस रेट पे ये फाइल आई हुई है ये उठानी बनती है। अगर ऑन ग्राउंड प्लॉटों की बात करूँ, जो 4 मरला 7 में ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद हैं, तो उस 2.5 करोड़ से लेके इस टाइम मिनिमम 5-5.5 तक रेट यहाँ पे 4 मरला के जा रहे हैं। और अगर 8 मरला की बात करूँ तो 8 मरला में तकरीबन 5 करोड़ से लेके 9-10 करोड़ तक यहाँ पे प्राइसेस जा रही हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। ओवरऑल अमेनिटीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो कारफोर ओपन हो चुका है, उसके अलावा जो है 2 पेट्रोल पंप्स ओपन हो चुके हैं, मैकडोनल्ड ओपन हो चुका है, दीगर अमेनिटीज तेज़ी से आ रही हैं, पार्क्स वगैरह बड़ी तेज़ी से 2-3 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक में, बाय ब्लॉक में बन गई हुई हैं, अदर में जो है काम जारी है। तो इस वजह से आने वाले 1-2 सालों में आपको जो है ओवरऑल हर तरह की जो है अमेनिटीज इधर ही मिलेंगी। तो ये बेस्ट टाइम है ओवरऑल जिन इन्वेस्टमेंट का, जिनका घर बनाने का प्लान है शॉर्ट टर्म में उनके लिए भी, और जिनका प्लान इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टमेंट का है, तो इसकी कमर्शल या रेजिडेंशियल फाइलों में इन्वेस्ट करके आने वाले शॉर्ट टाइम में गेन कर सकते हैं। जी व्यूअर, ये थी हमारी आज की वीडियो। फर्दर इंफॉर्मेशन और फर्दर डिटेल के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें, 03224222061। आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।